नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं ओके क्रेडिट। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि 2021 एक बार फिर से कोरोना के साथ ही आया और 2020-2021 बहुत कुछ इन दो सालों में हम सब ने देखा। बात करें इकॉनमी की तो इकॉनमी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है और हमारे बिजनेस, हमारे जॉब्स, हमारे फाइनेंस कहीं ना कहीं प्रभावित ज़रूर हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे चार बिजनेस की जो इन लॉकडाउन या फिर यहाँ यूँ कहें कि कोरोना काल के दौरान भी ग्रो किए हैं और आगे भी उनका बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे बढ़ने का। तो उन चार बिजनेस के बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। और हाँ, ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन पे कि आपको कोई और ऐसा बिजनेस आइडिया पता है जो इस कोरोना काल के दौरान हम शुरू कर सकते हैं या फिर उसकी ग्रोथ अच्छी है। आप अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं ताकि हमारे बाकी दर्शकों को आपसे इंस्पिरेशन मिले और उनको एक आइडिया मिले कि हाँ, बिजनेस किस तरह का किया जा सकता है इस दौरान, ताकि उनकी हेल्प हो। क्योंकि हम सबका यही मानना है कि भाई समय कैसा भी हो, हमें एक साथ होकर चलना है और कोरोना की चेन को तो हमें ब्रेक करना ही है, लेकिन हमें एक साथ जुड़ना है और एक दूसरे का सहारा बनना है। तो चलिए, बिना देर किए आप इस वीडियो पर नज़र डालिए और ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि कोई एक बिजनेस आपके लिए हो। ट्रांसपोर्ट बिजनेस। आज ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। जितने भी शॉपिंग साइट्स, ऐप्स हैं जो आपको एक क्लिक पर, एक फ़ोन पर आपकी ज़रूरत से जुड़ी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, ये सभी ट्रांसपोर्ट बिजनेस में आता है। आज आप घर बैठे कोई भी सामान ऑर्डर कर सकते हैं, ग्रॉसरी से लेकर फैशन, फूड, साज सज्जा, किचन गार्डन, बेडरूम, पर्दे, झाड़ू आदि कोई भी वस्तु हो सकती है। एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, एक क्लिक पर गाड़ी, ऑटो आपके दरवाजे तक आ जाती है। ये ट्रांसपोर्ट बिजनेस है। आयात निर्यात का काम ट्रांसपोर्ट बिजनेस है। कुल मिलाकर ये सेक्टर बहुत बड़ा है। यदि आप इस सेक्टर में उतरना चाहते हैं तो आप कोई भी आइडिया चुन सकते हैं। हर एक आइडिया आपको पैसा बनाने में मदद करेगा। ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े बिजनेस आइडियाज के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। फूड बिजनेस। यदि आप अपना पैसा किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कभी भी मंदी ना आए, तो आप फूड सेक्टर में हाथ आजमा सकते हैं। इस सेक्टर में कामयाबी पाने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। जैसे यदि आप खाना बनाकर बेचने का काम करते हैं तो आप स्वच्छता और हाई क्वालिटी का खास ख्याल रखें। डिजिटल रहने में फ़ायदा है जिससे लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकें, तो शॉप के साथ साथ ऑनलाइन शॉप भी बनाएं। इसके लिए आप ओके शॉप ऐप को भी यूज़ कर सकते हैं। आज की सिचुएशन देखकर होम डिलीवरी का भी ऑप्शन रखें। फूड से जुड़े बिजनेस आइडियाज के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। एजुकेशन सिस्टम। हर किसी का एक सपना होता है कि उनके बच्चे खूब पढ़ें और अच्छी तरक्की करें, अपने जीवन में कुछ हासिल कर सकें, अच्छी शिक्षा पा सकें। इसके लिए वो ढेरों रुपया पानी की तरह बहाते हैं। ऐसे में यदि आप इस सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बदले में अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। इस बिजनेस के लिए आप में टीचिंग स्किल होना आवश्यक है या फिर ऐसी स्किल होना आवश्यक है जो शिक्षा प्रणाली को ग्रोथ दिला सके। आप एक स्कूल खोल सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, वर्चुअल एजुकेशन वर्ल्ड बना सकते हैं, कोचिंग या इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, स्मॉल स्मॉल कोर्स की क्लासेस खोल सकते हैं। आपको बता दें कि एजुकेशन सेक्टर केवल वो नहीं जहां बच्चों को किताबी ज्ञान ही दिया जा रहा है। यदि आप में कोई स्किल है तो आप इससे जुड़े बिजनेस भी कर सकते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंटल क्लासेस, क्राफ्ट क्लासेस, रिपेयरिंग सर्विसिंग, आर्ट्स डेकोरेशन, कुकिंग मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग, फाइटिंग गेम्स, सोशल वर्क आदि क्लासेस भी हो सकती हैं। कुल मिलकर आप जिसमें एक्सपर्ट हैं आप उससे जुड़ना शुरू कर सकते हैं। मेडिकल इंडस्ट्री। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसकी पहली भी आवश्यकता थी, आज भी है और जीवन भर रहेगी। कोरोना महामारी के चलते इस फील्ड की इम्पोर्टेंस और अधिक हो गई है। मेडिकल पॉलिसीज का महत्व क्या है ये भी इस महामारी के चलते समझ में आया। यदि आप आगे आने वाले सालों में बहुत अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो मेडिकल फील्ड हो सकता है। इसमें आप मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल टूल्स, मेडिकल स्टोर, पीपीई किट, सर्जरी ग्लव्स, मास्क, मेडिसिन क्लिनिक्स, इंस्टीट्यूट आदि हो सकता है। तो देखा आपने कि किस तरह से आप इन चार बिजनेस पर काम कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि इन चार बिजनेस के अलावा भी आपके पास कोई आइडिया है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम अपने दर्शकों के साथ वो आइडिया शेयर करेंगे और हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि एक दूसरे की मदद करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और तभी इस पूरे कोरोना काल से हम कह सकते हैं कि पार पा सकेंगे, इसकी भरपाई कर सकेंगे। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, घर पर रहिएगा। हालांकि अब अनलॉक तो होने लग पड़ा है, लेकिन फिर भी मास्क जरूर पहनिएगा, जहां तक हो सके प्रिकॉशन जरूर लीजिएगा। नमस्कार। ओके क्रेडिट, आपके बिजनेस का सच्चा साथी।